मुंबई में रहना मेरे हिसाब से सेफ है बट थ्रेड्स देना अच्छी बात नहीं है और सलमान खान के ऊपर थ्रेड्स देना भी अच्छी बात नहीं है बट एज अ गर्ल एंड एज अ पर्सन मुंबई में मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया सेफ्टी रिगार्डिंग एंड बट ऑबियसली सेलिब्रिटी ज़्यादा थ्रेड के रेडार में रहते हैं सो या मूसे वाला के साथ भी यही चीज़ हुई थी तो आपको क्या लगता है मोस्टली जितने भी इंडस्ट्री के लोग उनको ही क्यों टारगेट किया जाता है या फिर किसका गलती किसकी थी आई आई डोंट नो गलती किसकी थी आई एम नॉट राइट पर्सन टू से दैट बट उनको टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि लाइक इफ इफ दे प्ले अ रोल और समथिंग एंड इफ समन डजन लाइक इट तो वो एक अपना हेटरेट बना लेते हैं उस कैरेक्टर के लिए लेकिन दे डोंट नो कि वो कैरेक्टर के लिए है ना कि उस इंसान के लिए है जिस वजह से अभी वो हेटरेट बन गया है तो फिर भी बोला गया कि इस एक हिरण कांड में उनको आ, उनको उनको दोषी पाया गया था और काफ़ी लोगों भी कहा था कि तुम माफ़ी मांग लो नहीं तो फिर ऐसे हम अटैक करते रहेंगे तो आपको लगता है ये सही है ऐसा करना नहीं नहीं ये दरअसल गलत है क्या किसी ने अपने आँखों से देखा उसे कुछ गलत करते हुए नहीं ना तो फिर जब बिना किसी आंखों से देखे हुए तुम लोग उसके ऊपर ऐसा इल्जाम करा कि अटैक करेंगे ये तो जाहिर सी बात है गलत है तो जैसे कि आजकल सुनने में ये आ रहा है कि सलमान खान को काफ़ी थ्रेट्स मिल रहे हैं उनके उनको गोली मारने की भी धमकी दी जा रही है और अभी सरेआम काफ़ी लोगों को भी गोली मार दी जा रही है सो so आपको क्या लगता है मुंबई इसके लिए सेफ़ है आई थिंक इट्स नॉट अबाउट मुंबई इट्स अबाउट द इंडस्ट्री मतलब बिकॉज लाइक like अगर वो लोग इतना दिख रहे हैं या लाइमलाइट में हैं तो सो आई थिंक इट्स वेरी स्कैरी कि अगर आप फेमस हो तो भी प्रॉब्लम है नहीं हो तो भी प्रॉब्लम है सी मुंबई में रहना मेरे हिसाब से सेफ है बट थ्रेड्स देना अच्छी बात नहीं है और सलमान खान के ऊपर थ्रेड्स देना भी अच्छी बात नहीं है बट एज अ गर्ल एंड एज अ पर्सन मुंबई में मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया सेफ्टी रिगार्डिंग एंड बट ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज ज़्यादा थ्रेट के रिडा में रहते हैं सो so, या yeah. मुंबई तो ऐसा है कि ऑलमोस्ट सेफ है पहले भी सेफ थी और अभी भी सेफ़ है और सलमान खान पे जो अटैक हुआ था वो शायद किसी के जो जलता है जल्द से क्योंकि सलमान खान और उन्होंने कितनी गरीबों लोगों का भला किया है कितने गरीबों का इलाज कराया है और फ्री में अस्पताल स्कूल की फीस पढ़ाई कितने का हेल्प किया है तो हो सकता है वो वजह से कोई एक्ट्रेस या हीरो लोग इंडस्ट्री में जलते हो किसी ऊपर अटैक करते होंगे या उसका जगह हासिल करना चाहते होंगे वो वजह से लोग अटैक कर सकते हैं लेकिन ये सारा सर गलत है किसी को जल्द फिर मत करो वो कर रहा है तो अपनी लुटा रहा है उसका ईमानदारी है वो कि गरीब लोगों को भला करना चाह रहा है मैं जहाँ तक जानता हूँ मुंबई सेफ है बट हाँ किसी को मारना गलत है अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसके लिए कानून है और भी बहुत सारे तरीके हैं इस तरह से मारना गलत है या? नहीं मुंबई तो सेफ है ऐसी कुछ दिक्कत तो नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मैटर अभी से नहीं सालों से चल रहा है और ये दो से चल रहा है मुझे लगता है कि अभी जो भी है ख़त्म करना चाहिए माफ़ी माफ़ी मांग के और क्या भाई ये तो चलता ही रहेगा भाई ये तो फिर बढ़ता रहेगा अभी जो भी साथ वाले देखो ना अभी वो हो गया ना भाई उसका सिद्धि के गया हाँ तो मुझे लगता है कि अभी सॉरी बोलना चाहिए और ख़त्म करना चाहिए जो भी मैटर है तो भाई करनी के ऊपर होता है यार जैसा करोगे वैसा भरोगे वैसा टाइप है अब शुरुआत में ये गलत है कि उनके वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो रहा है बट रियलिटी ये भी है कि वो भी ठेट देते थे, थे, थे एक समय पे <laughs> सो अभी उनको मिल रहा है तो ये जैसा आप बोगे वही काटोगे भाई तो सिंपल सा बात ये है लेकिन हाँ ये भी गलत है कि वो जो अंडरवर्ल्ड वाला सीन है ये सब चीज़ तो हट जाना चाहिए मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ बट होता नहीं है कि जो लाइफ में जो आदमी करता है ना उसको वही सब भुगतना पड़ता है तो शायद ये वही है और कुछ नहीं ओके जैसे आपने बात किया कि जो लोग फेमस होते हैं जो लाइमलाइट में होते हैं उन लोग के साथ ही ज़्यादा कुछ ऐसे होता है रिसेंटली सिद्ध मूसेवाला के साथ भी यही चीज़ हुई थी तो आपको क्या लगता है मोस्टली जितने भी इंडस्ट्री के लोग उनको ही क्यों टारगेट किया जाता है या फिर किसका गलती किसकी थी आई आई डोंट नो गलती किसकी थी आई एम नॉट राइट पर्सन टू से दैट बट उनको टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि लाइक इफ इफ दे प्ले अ रोल ऑफ समथिंग एंड इफ समन डजेंट लाइक इट तो वो एक अपना हेटरेट बना लेते हैं उस कैरेक्टर के लिए लेकिन दे डोंट नो कि वो कैरेक्टर के लिए है ना कि उस इंसान के लिए है जिस वजह से अभी वो हेटरेट बन गया है तो फिर आई थिंक वो लोग हमेशा लाइम लाइट में रहते हैं जैसे अभी मैं हूँ नो वन नोज मी एज ऑफ नाउ राइट तो वो लोग ज़्यादा uh, लाइम लाइट में होते है ज़्यादा दिखते हैं उनकी तरफ आजकल ट्रोल, ट्रोल्स ट्रोल्स भी कितने सारे बढ़ गए हैं सो कुछ ना कुछ रीजन होता है कोई स्टूपिड रीजन होता है कोई लॉजिकल रीज़न होता है सो दे थिंक दैट इट इज़ ओके टू गिव थ्रेट्स एंड ऑल सो या दैट रीज़न आई थिंक बिकॉज दे आर सो फेमस एंड सो आउट इन द पब्लिक गलती ऑलमोस्ट इंडस्ट्री की रहेगी बीच में कुछ लोग होते जो अपना कमीनापन दिखाते बाकी नो आइडिया और किसकी गलती रहेगी तो अगर मतलब अगर आपके साथ ऐसा हो या फिर आपको कभी ऐसे जूझना पड़े तो आप इसको कैसे टैकल करोगे चीज़ों को मेरे साथ अगर ऐसा अगर शायद अगर हुआ तो मैं कि वो तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर लोग मुझ पर अटैक करेंगे कि लोग मेरे कुछ देखे रहेंगे या मेरे कुछ जले रहेंगे कि बंदा मेरे से आगे बढ़ रहा इंडस्ट्री में अपना ये क्या बोलते हैं एक्साइज है आप एक जो बताना जाता है वो वजह से लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे लेकिन मैं अटैक से हमारे मैं जो पीछे नहीं हटूँगा जो मेरा ईमानदारी है जो मेरा हौसला है उसको मैं पूरा करूँगा अब मेरे से जितना हो सके और मैं गरीबों की करता रहूँगा जितना मेरे से हो सके यार गलती सरासर वो अंडरवर्ल्ड वालों की है क्योंकि वो शांति से बातचीत ना करने के अलावा वो लोग डायरेक्ट गन उठा ले रहे हैं और अटैकिंग मोड पे आ जा रहे हैं वो गलत है और सिद्धू मूसेवाला वाले के साथ भी वो प्रॉब्लम उनका ही था मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ वो सही है कोई गलत है वो गलत हैं ठीक है बट सलमान खान वाले केस में मैं ये बोल बोलना चाहूँगा मुझे ऐसा लगता है एज अ क्या है ना अभी तो जो भी है इंडस्ट्री वाले अभी सब लोग घबरा रहे हैं अभी क्या है ना एक दो दिन से मैं भी देख रहा हूँ जो भी लोग आ रहे हैं अभी मीडिया वाले भी हैं तो उन लोग को भी फोटो नहीं दे रहे और वो बता भी नहीं है लोकेशन भी नहीं बता रहे कहीं नहीं क्योंकि उन लोग को भी डर है भाई ने अभी के हम भी भाई अभी हम लोग भी गोली खाने वाले तो उन लोग को भी डर है भाई तो मुझे लगता है कि अभी खत्म करने जो भी मैटर है सॉरी बोलना चाहिए भाई सलमान खान का भी नाम लिया सो सलमान खान इससे पहले हिरन हत्याकांड के लिए भी उनका काफ़ी नाम आया था और अभी फिर से ये बात को लेकर आए जा रही है तो आपको क्या लगता है ये पुरानी जो मैटर है उसको ही वापस लेकर क्या आ जा रही है फिर कोई नया फ्रेश मैटर है आपको क्या लगता है इस पर मतलब ये पुराना मैटर है बट आई थिंक दिस इज नॉट अप टू अस और वॉट आर ओपिनियन इट इज अप टू द सुप्रीम कोर्ट राइट हम लोग क्या कर सकते वी कैन मैक्स टू मैक्स गिव आर ओपिनियन वी आर यू वी आर ऑल इन द मीडिया सो मैक्स टू मैक्स कैन डू दैट और वी कैन पुश ओपिनियन ऑडियंस का ओपिनियन वी कैन अफेक्ट मोर देन दैट वी कॉन्ट डू एनीथिंग एल्स मतलब आप भी ये चाहते हो कि अंडरवर्ल्ड का इन्फ्लुएंस हमारे इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट में ना रहे ताकि लोग अच्छे से काम कर सके करेक्ट या ऑफ कोर्स इट कुड बी रिलेटेड टू दैट बट अगेन वो कानून देखना चाहिए उसको आई मीन दैट हैज नथिंग टू डू विद द नॉर्मल ऑडियंस एंड वी आर नॉट द पर्सन टू डिसाइड किसको क्या सजा मिलनी चाहिए exactly उससे रिलेटेड है आप उस समय पे आप एकदम दबंग की तरह घूमते थे इधर उधर कहीं भी और कुछ भी कर देते थे जो भी मन आता था वो कर लेते थे और अब वो चीज़ जब वो आपके ऊपर पड़ रहा है तो आप फिर सिम्पति लेने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से कि यार सलमान भाई सलमान भाई तो वो भी तो गड़बड़ है भाई है ना तो यार जो सच है वो सच है हाँ गलत गलत तो गलत है लेकिन वो भी गलत है मैं ये बोलूँगा दोनों तरफ से दोनों पक्ष से हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन गलत पहले कौन गलत था और अब भले ही सही हो गए लेकिन पहले तो गलती किया ना भाई तो वही है सॉरी बोल देना चाहिए मेरे को मेरे हिसाब से तो इसके बारे में अब मैं, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं पहले मुंबई में नहीं था जब ऐसा सब था मैं भी शिफ्ट हुआ हूँ बट ये जो भी हो रहा है वो गलत है उसे रोकना चाहिए मेरे हिसाब से पुराना ही है उसने पहले भी धमकी दी थी और वो गोले भी मारे थे आपने देखा था ना तो मुझे लगता है कि नहीं ये ख़त्म करना चाहिए वो हिरन मारी थी ना वो पिक्चर आपने वो सलमान खान ने बनाई थी वो तो मुझे लगता है सॉरी बोलना चाहिए आपको क्या लगता है तो ओवरऑल अगर मैं अगर समअप करना चाहूँ तो क्या लगता है गलती किसकी थी गलती अभी क्या बोल सकते हैं अभी सलमान से भी गलती हो गई है उसने जानबूझ के थोड़ी मारा है गलती हो गई है लेकिन अब वो विष्णु समाज वो है ना जो है अब वो तो ऐसा है कि उनके समाज में ये लिखा है कि वो माता जो भी ज़्यादा वो मानते हैं तो उनका कुछ बोल नहीं सकते वो तो उसका है कि उसने डिसीजन लिया है तो लिया है अभी वो 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 भी मर जाए उसके लड़के लोग इतने इधर उधर अब उसने फैला रखे हैं तो भाई अभी क्या बोल सकते हैं ख़त्म करो सॉरी बोल के क्या क्या रखा है इसमें प्रोडक्शन और डायरेक्शन लोग मिलके जैसे भी इंडस्ट्री चलती वैसे ही चलने चाहिए फिर अंडरवर्ल्ड का इन्फ्लुएंस होना चाहिए क्योंकि कोशिश तो लोग यही कर रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड इन्फ्लुएंस करे बॉलीवुड को और वो लोग चलाएं आई थिंक अंडरवर्ल्ड का बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट आर्ट एंड आर्ट में फ्रीडम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इफ द डायरेक्टर्स इफ द एक्टर्स आर स्केर्यड एंड दे डोंट हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ वर्क देन देर इज़ नो पॉइंट इन दिस इंडस्ट्री